back to my channel. We are studying chapter number 12 of class 8 history. अब class 8 का history portion का हम next chapter कर रहे हैं शुरू. That is the impact of British rule on India. ये हमारे इंडिया में British rule का क्या impact हुआ? Let us start the chapter. The name of the lesson is impact of British rule on India. अब आपको सबको पता है कि हमारे देश में अब 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश रूल आ चुका था. ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो एंड हो चुका था. तो आफ्टर द ब्रिटिश रूल द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी सभी इंडियन सोसाइटी के जितने भी पहलू थे, ऑल द एरियाज वर अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश रूल. दे चेंज्ड each and every section of Indian society, whether it was education system, caste system, condition of women, public institutions, social reforms, etc. इन सभी जो aspects थे उनमें changes किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा. अब देखिए education system mainly हम पढ़ेंगे इस chapter में. तो इस education system में पहले क्या था और अब British rule आने के बाद क्या हुआ था देखते हैं. Before the British rule education was limited to पाठशालास, maktabs, tolls, madrasa, etc. तो education system जो था हमारे इंडिया में before the British rule, it was limited to some small centers of education. For example, पाठशालास and maktabs provide primary education to students, and tolls and madrasas provided the elementary education to the students. Mainly, the education was limited only to the reading of religious books. Religious books को ही सिर्फ पढ़ा जाता था और यही education system था हमारे इंडिया में जो पहले से चला आ रहा था. लेकिन और main languages जो कि education में use की जाती थी, teaching में use की जाती थी, they were Sanskrit, Arabic, Persian. ये main languages थी हमारे देश में जो ब्रिटिश रूल आया उससे पहले. अब आफ्टर द ब्रिटिश रूल देखिए क्या चेंजेस हुए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर सेट अप इन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे भारत में बहुत सारे वर्नैकुलर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज सेट अप की गई. इसके अलावा सिर्फ रिलीजियस बुक्स तक हमारी एजुकेशन जो थी वो लिमिटेड नहीं थी. अब नए और फील्ड्स क्या क्या आ गए थे, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, बुक्स, अलग अलग बुक्स आ गई थी. एस्ट्रोनॉमी, लॉ और बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में भी पढ़ा जाता था. इसके अलावा द मेन लैंग्वेज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वॉज इंग्लिश. इंग्लिश यानी ब्रिटिश रूल में मेन लैंग्वेज जो टीचिंग की लैंग्वेज होती थी वो है इंग्लिश. अभी तक भी हमारे देश में अब इंग्लिश एजुकेशन इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि हमारे देश में बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इम्पार्ट इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. तो इसका मतलब है कि हमारे देश में आफ्टर द ब्रिटिश रूल इंग्लिश वॉज द मेन लैंग्वेज फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अंडर एजुकेशन सिस्टम किस तरह का था देखिए. ब्रिटिशर्स का मेन एम जो था, मेन ऑब्जेक्टिव जो इंडिया में आने का था वो था मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड नॉट टू एजुकेट इंडियंस. उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था लेकिन वो अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे कि वो इंडियंस को एजुकेट भी करें. तो टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट दे केम टू इंडिया एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस वॉज टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी ऑल्सो. तो क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल जो था वो भारत में अपना कंट्रोल कर रहा था. इसके अलावा उनके ऊपर दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट इंडियंस ऑल्सो. तो वैसे इंडियंस को एजुकेशन नहीं देना चाहते थे लेकिन कुछ मिशनरीज जो हैं वो ओपन मिशनरीज ने कुछ न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं वो इंडिया में ओपन किए, एस्टैब्लिश किए. लेकिन उन स्कूल्स का मेन एम क्या था, टू प्रमोट द क्रिश्चियनिटी अमंग द इंडियन पीपल.
लोगों के बीच, इंडियन लोगों के बीच क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव था उनके इंग्लिश स्कूल्स का, जो कि मिशनरीज द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे। तो मेन एफर्ट्स इन एजुकेशन कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के, वो कब से शुरू हुए, फ्रॉम 1813 से ये मेन एफर्ट्स जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के एफर्ट्स थे वो शुरू किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो कुछ स्कीम्स पढ़ते हैं, वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने के लिए चार्टर एक्ट पास किया गया। इसके बाद 1854 में एक और गुड्स डिस्पैच आया। उसके बाद 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया। इसके बाद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया गया। 1937 में वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन इनिशिएट की गई। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो थी वो गांधी जी के इनिशिएटिव से प्रमोट किया गया था। उसके बाद 1943 में नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी पास किया गया, तैयार किया गया। इस एजुकेशन सिस्टम के अनुसार ही आज तक भी हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है। ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो दिस एजुकेशन सिस्टम इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो ये था ब्रिटिश रूल के दौरान एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में क्या था। अब इन एफर्ट्स के बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट जो है वो सबसे पहला ऐसा एक्ट था जो कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। ये जो है उसमें ब्रिटिश सैंक्शन 1,00,000 रुपीज फॉर एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए हमारे इंडिया में पैसा सैंक्शन किया था। इट वॉज द सम ऑफ 1,00,000 रुपीज। ड्यूरिंग दिस चार्टर एक्ट हिंदू एंड एल्फिनस्टोन कॉलेजेस वर सेट अप इन कैलकटा एंड बॉम्बे। हिंदू कॉलेज वॉज द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज इन कैलकटा एंड एल्फिनस्टोन वॉज इन बॉम्बे। नाउ ऑल्सो दिस कॉलेजेस आर प्रेजेंट इन कैलकटा एंड बॉम्बे। English education, Western etiquettes, dress, eating habits was the main teachings that were given in these colleges or schools. Various schools were also established during the Charter Act. Hindu and Elphinstone colleges, mainly the English education was imparted, yani English भाषा की का ज्ञान दिया जाता था। Western etiquettes का मतलब है कि पश्चिमी संस्कृति के अनुसार व्यवहार करना सिखाया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज के अनुसार। ड्रेस यानी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना भी प्रमोट किया जाता था। और ईटिंग हैबिट्स का मतलब है जिस तरह से उनका खाने का तरीका था उसी तरह से इनको भी सिखाया जाता था। मेनली जो रिच इंडियंस थे वो इस इन कॉलेजेस में पढ़ रहे। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट लेट अस डिस्कस वन फेमस कोट बाय थॉमस मैकॉले। ये तो आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स का मेन एम जो था इंडिया में वो प्रॉफिट कमाने का था, ना कि इंडियंस को एडुकेट करना। 1835 में थे थॉमस मैकॉले जो कि ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था वी मस्ट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस हुम वी गवर्न। हमें एक पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसी श्रेणी तैयार करें इंडियंस की जो कि हम में और उनके बीच एक कनेक्शन हो। कनेक्शन का मतलब है कि हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, ब्रिटिशर्स को और इंडियंस को। इंडियन इन ब्लड एंड कलर एंड इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। साथ ही उन लोगों की जो पसंद हो एक्चुअली वो इंडियन हो ब्लड और कलर में, लेकिन उनकी टेस्ट और ओपिनियन यानी उनकी विचारधाराएं जो हैं वो इंग्लिशमैन जैसी हो जाए। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते ही थे कि पूरी तरह से जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास का मतलब जो रिच एजुकेटेड इंडियंस हैं इंग्लिश मीडियम जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजिकल स्लेवरी हो जाए, साइकोलॉजिकल दिमागी रूप से वो हमारे स्लेव बन जाए। स्लेव का मतलब है गुलाम बन जाए। तो ब्रिटिशर्स का मेन एम यही था नई एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए कि वो अपने और इंडियंस के बीच एक कनेक्शन बिल्ट अप कर ले। आपको ये तो पता चल
चल गया कि ब्रिटिश चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाए, जिससे कि वो इंडियन एलीट क्लास और जो आम जनता थी, नॉर्मल पीपल जो थे, उनके बीच में एक कनेक्शन बन जाए, अपनी भाषा को समझने के लिए ऐसे लोग तैयार कर लें जिससे कि वो एक दूसरे की बातें समझ सकें। इसलिए इंग्लिश एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस की जा रही थी इंडिया में, इसमें इंडियंस भी दो भागों में बढ़ते थे, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। और ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट दोनों के ही बीच में कंट्रोवर्सी एंड कन्फ्लिक्ट, मतभेद पैदा हो गए थे। अब क्या था ये, क्या क्या प्रॉब्लम थी उनके बीच, देखें। ओरिएंटलिस्ट ऑलवेज फेवर्ड संस्कृत एंड पर्शियन एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो ओरिएंटलिस्ट थे वो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही कंटिन्यू रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि संस्कृत और पर्शियन में ही जो स्टडीज चल रही है वैसे ही चलती रहे, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि इंग्लिश एजुकेशन से हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एंग्लिसिस्ट जो चाहते थे, क्या चाहते थे, देखें, फेवर्ड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंग्लिसिस्ट का मतलब जो लोग इंग्लिश मीडियम एंड एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, जो चाहते थे कि इंडिया में भी इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जाए। और लॉर्ड मैकॉले जो कि पहले से ही कह रहे थे कि ऐसी इंडियन क्लास हमें तैयार करनी है जो कि इंग्लिश बोलती हो, और साथ ही हमारे बीच और जो इंडियंस हैं, कॉमन पीपल है, उनके बीच कनेक्शन बना दें। तो थॉमस मैकॉले ने हमेशा ही एंग्लिसिस्ट का फेवर किया, यानी हमेशा उनको सपोर्ट किया कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। Let us study about Wood's dispatch of 1854. 1854 में एक और चेंज आया इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। वुड्स डिस्पैच मेजर चेंजेस वर मेड इन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी में कुछ मेजर चेंजेस किए गए, उनमें से क्या था, There will be separate departments of education. अब separate department of education का क्या मतलब था, कि अलग अलग level पर अलग अलग तरह की education दी जाएगी। For example, primary level यानी primary school level पर regional languages में ही पढ़ाई कराई जाएगी। हाई स्कूल लेवल पर इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही कॉलेज लेवल पर ओनली द इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन। तो ये जो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन थी वो वुड्स डिस्पैच के अंडर पास किया गया था। यूनिवर्सिटीज वर सेट अप एट प्रेसिडेंसी टाउन्स। अभी प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन से थे, ऐसे तीन ऐसे प्रमुख शहर थे जो कि ब्रिटिश इंडिया में प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स के रूप में एस्टैब्लिश किए गए थे इंडिया में, वो थे बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास। दीज वर द प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड सम मेजर कॉलेजेस वर सेट अप एट द प्रेसिडेंसी टाउन्स, दैट वर बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास। अब इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वर ऑल्सो सेट अप। बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले गए जिससे कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए टू गिव द एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर अलग अलग तरह की एजुकेशन देने के लिए टीचर्स को भी ट्रेन किया गया। ये था वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। नेक्स्ट कमीशन वॉज हंटर कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन इन ऑफ 1882। अब हंटर एजुकेशन कमीशन का मेन काम क्या था, जो वुड्स डिस्पैच के काम थे, जो डिसीजंस लिए गए थे वुड्स डिस्पैच में, उनका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है कि नहीं इंडिया में, ये देखें। टू सुपरवाइज, टू लुक इनटू द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 के वुड्स डिस्पैच का काम पूरा सही तरीके से लागू हुआ कि है कि नहीं, ये इंडिया में देखने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया 1882 में। The another work for of Hunter Commission was to look after primary and secondary education in India. Primary और secondary education में जो जो implementation होनी थी under the Woods dispatch वो भी हुई है कि नहीं, ये भी देखना था Hunter Commission के members को। और ये भी देखना था कि secondary educational level पर vocational training introduce हुई है कि नहीं। अब vocational training क्या है, इस तरह की training जो कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे को अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए जो ट्रेनिंग दी
जाती है, दैट इज कॉल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल ट्रेनिंग सही तरीके से चल रही है कि नहीं, इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं, ये भी देखने का काम किसका था? हंटर कमीशन के मेंबर्स का। एंड वर्क ऑफ मिशनरीज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, टू लुक इनटू द वर्क ऑफ मिशनरीज। अभी मिशनरीज क्या है? मिशनरीज वो लोग हैं जो कि यहाँ पर इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आए थे, टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन धर्म को का प्रचार करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने का काम था मिशनरीज का। तो ये हंटर कमीशन के मेंबर्स ये भी देख रहे थे कि मिशनरीज ने एजुकेशनल फील्ड में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या 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 काम किया है। तो ये था हंटर कमीशन ऑफ 1882। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1904 मेनली टू चेक द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। हायर एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन एट कॉलेज लेवल। ये कॉलेज लेवल पर किस तरह की एजुकेशन हो वो देखने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है या स्कीम आती है वो है वर्धा एजुकेशन स्कीम 1937 तक इंडिया में ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन फील्ड में इंडियंस के प्रॉफिट के लिए कोई भी किसी तरह के कोई चेंज नहीं किए थे। ऑल एजुकेशन पॉलिसी वॉज फॉर द प्रॉफिट ऑफ मेनली ब्रिटिशर्स। लेकिन 1937 में पहली बार वर्धा एजुकेशन स्कीम के अंडर दैट वॉज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इस एजुकेशन स्कीम को इनिशिएट किया। उसमें उनका मेन जो एम था वो था टू डेवलप द मॉरल्स लाइक ट्रूथ, गुडनेस, जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इन मॉरल्स यानी हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनको डेवलप करना। ट्रूथ मीन्स सच्चाई, गुडनेस मीन्स अच्छाई मतलब अच्छा व्यवहार, जस्टिस यानी न्याय प्रिय, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुद आत्मसम्मान और डिग्निटी यानी मान सम्मान को ध्यान में रखकर ही एजुकेशन स्कीम जो है वो बनाई जाए। यानी हमारा जो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन है वो एजुकेशन स्कीम में कहीं ना कहीं जगह लिए हुए। तो गांधी जी की इन एफर्ट्स से वर्धा एजुकेशन स्कीम जो है 1937 पास की गई और इस स्कीम में मेनली इंडिजिनस एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इंडिजिनस एजुकेशन का मतलब था इंडियन यानी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को प्रमोट किया गया, प्रचार किया गया। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन 1943। 1943 में एक और एजुकेशनल सिस्टम जो है वो तैयार किया गया, राष्ट्रीय स्तर का ये नेशनल लेवल का एजुकेशन सिस्टम था और इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन सार्जेंट। जॉन सार्जेंट एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने कि ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। इसमें क्या था मेनली? इट प्रपोज द यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। अब यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब है एक जैसी, कंपल्सरी मतलब अनिवार्य जरूरी, एंड फ्री एजुकेशन मतलब मुफ्त शिक्षा का प्रावधान दिया गया। इसमें एक डिसीजन लिया गया कि 6 to 14 ईयर्स के बीच के बच्चे जो हैं एज में जो भी लाए करते हैं उनको एक जैसी, जरूरी और फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और ये जो सिस्टम है एजुकेशन का 1943 का नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आज भी हमारे देश में इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग का मतलब आज भी हमारे देश में यही सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो फॉलो किया जा रहा है। दैट मीन्स बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन विल गेट यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन इन। So guys, I hope you have understood today's lecture. For the next part of the lesson, do watch the next video and please watch this video very carefully to understand the introduction of the chapter.